नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजी न्यूज। आपके साथ मैं रीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। कश्मीर से धारा 370 को हटाए जाने को फैसले को राज्य के मुख्यमंत्री ने बताया ऐतिहासिक। कहा, एक देश एक कानून के सपने को प्रधानमंत्री ने किया साकार। सावन माह के तीसरे सोमवारी पर मुख्यमंत्री ने भगवान भोलेनाथ का किया जलाभिषेक। मांगी राज्य के खुशहाली का आशीष। पांचवी अनुसूची क्षेत्र को नगर निगम में शामिल किए जाने का ग्रामीणों ने जताया विरोध। जिला मुख्यालय पर दिया धरना। अब खबरें विस्तार से। कश्मीर में धारा 370 को हटाए जाने की सूचना मिलते ही जमशेदपुर में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लिया गया एक ऐतिहासिक फैसला बताया और कहा, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। यहां पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देकर कश्मीर के कुछ जिलों में दहशत फैलाने का काम कर रहा है। वहीं मुख्यमंत्री ने कश्मीर के मुद्दे के लिए गए फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि देश के दूसरे राज्यों की तरह कश्मीर का भी विकास संभव हो जाएगा। इसलिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने कश्मीर मुद्दे पर जो भी फैसला लिया है उसे पूरा देश स्वीकार कर रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि जल्द ही कश्मीर अब आतंकवाद मुक्त राज्य हो जाएगा। इधर राम मंदिर के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद से ही देश में राष्ट्रीयता का पुनर्जन्म हुआ है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि उन्होंने भगवान राम पर देशवासियों की आस्था को देखते हुए डे टू डे सुनवाई करते हुए जल्द से जल्द राम मंदिर बनाए जाने का रास्ता साफ कर दिया है। वहीं मुख्यमंत्री ने देश के मुसलमानों से अपील की है कि अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि है, इनके साथ करोड़ों हिंदुओं की भावना जुड़ी हुई है, इसलिए वे भी राम मंदिर बनाने में सहयोग करें, क्योंकि भारत देश विविधताओं में एकता का देश है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और जिस तरह और कश्मीर की घाटी के कुछ जिले पाक के द्वारा आईएसआई के द्वारा जो आतंकवाद जिला हो चुके हैं उनको निश्चित रूप से देश के करोड़ों लोग चाहते हैं कि वो दो तीन जिला कश्मीर के आतंकवाद मुक्त हो, कश्मीर आतंकवाद मुक्त हो। और इस दिशा में लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और देश की करोड़ों जनता की चाहत है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग, कश्मीर जिस तरह अन्य राज्य विकसित हो रहे हैं कश्मीर भी विकसित हो, इस दिशा में काफ़ी काम केंद्र सरकार कर रही है। इसलिए कश्मीर के मामले में जो भी भारत सरकार निर्णय लेगी पूरा देश एकजुट होकर देश के लिए कश्मीर के लिए एक होकर खड़ी रहेगी। देखिए 2014 के बाद से भारतीय राजनीति में राष्ट्रीयता की पुनर्जागरण हुई और उस राष्ट्रीयता की पुनर्जागरण जो भगवान राम हमारी भारतीय संस्कृति का प्रतीक, और मैं सुप्रीम कोर्ट का आभारी हूँ जो अयोध्या में भगवान राम मंदिर के निर्माण के लिए डे टू डे सुनवाई होने जा रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो देश इन्हें दुनिया आसपास के देश में भी भगवान राम संस्कृति के प्रतीक है तो अयोध्या में भगवान राम का मंदिर अवश्य बनेंगे। मैं समस्त अपने मुसलमान भाइयों से भी अपील करना चाहता हूँ कि आपसी सद्भाव कायम रखते हुए जो अयोध्या भगवान राम का जन्म स्थली है उसको बनाने में सहयोग दें। सावन के तीसरी सोमवारी और साथ में नागपंचमी के मौके पर जमशेदपुर में झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास
अपने विधानसभा क्षेत्र के बारीडी स्थित स्वर्णरेखा नदी घाट तट से जल लेकर पैदल यात्रा करते हुए सिद्धगोड़ा स्थित सूर्य मंदिर धाम पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान भोले शंकर को जलार्पण किया। इस दौरान 15,000 से भी ज्यादा भक्त मुख्यमंत्री के साथ पैदल जल यात्रा किया। वहीं साथ में मुख्यमंत्री के पुत्र ललित दास ने भी भगवान भोले को जलार्पण किया। जलार्पण के बाद मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं का अभिवादन भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि सावन के तीसरे सोमवार की शुभकामना देते हुए झारखंड के 3.25 करोड़ जनता को भगवान भोले का अवतार बताया और कहा कि भगवान भोले के आशीर्वाद से उन्हें सब कुछ मिला है। अब 3.25 करोड़ जनता के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की पर्याप्त व्यवस्था हो जाए, साथ ही हर चेहरे पर मुस्कान आ जाए, यही भगवान भोले से वे कामना करते हैं। वहीं जलाभिषेक के उपरांत मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर में पौधारोपण भी किया। ये संजोग है कि तीसरी सोमवारी के साथ साथ आज नाग पंचमी भी है। तीसरी सोमवारी और नाग पंचमी के अवसर पर समस्त जो आज हमारे झारखंड वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं, और ये सूर्य धाम में प्रत्येक वर्ष तीसरी सोमवार को हजारों श्रद्धालुओं के साथ मैं स्वयं भगवान शिव का जलाभिषेक करता हूँ, और आपने देखा करीब 10,000 की संख्या, जिसमें हमारी जो नारी शक्ति है, मातृ शक्ति, इसकी संख्या काफ़ी है। तो नारी शक्ति, मातृ शक्ति को मैं नमन करता हूँ, जो हमारी भारतीय संस्कृति को आज बचा के रखी हुई। उन सभी श्रद्धालुओं को भी ढेर सारी शुभकामनाएं, और भगवान शिव से मैंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, क्योंकि भगवान शिव ने हमें बहुत कुछ दिया, और जो सबसे चीज़ हमें बड़ी चीज़ मिली वो झारखंड की 3.25 करोड़ जनता की सेवा करने का आदेश। तो लगातार 4.5 वर्षों से झारखंड की सेवा मैं एक नाम के अनुरूप रघुवर दास दास के रूप में मैं झारखंड की 3.25 करोड़ जनता की सेवा करने का संकल्पित हूँ। पूर्वी सिंहभूम जिले के 5वीं अनुसूची क्षेत्र को नगर निगम में शामिल करने के अटकलों को लेकर आदिवासी समुदाय में रोष देखा जा रहा है। विरोध स्वरूप माझी, परगना, महाल और मानकी मुंडा के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में 5वीं अनुसूची क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी समुदाय के लोगों ने पूर्वी सिंहभूम जिला मुख्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना देकर जोरदार तरीके से अपनी आवाज बुलंद की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि इस व्यवस्था की आदिवासी सभ्यता संस्कृति पर कुठरा घात होगा, जो हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। नगर निगम की व्यवस्थाएं शहरी क्षेत्रों में होनी चाहिए, ना कि आदिवासी बहुल क्षेत्रों में। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में नगर निगम व्यवस्था को लेकर अब तक सिर्फ अटकलें ही लगाई जा रही है, लेकिन 5वीं अनुसूची क्षेत्र में रहने वाले लोग संवैधानिक व्यवस्था का हवाला देकर क्षेत्र को नगर निगम में शामिल करने का विरोध जता रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पुरानी परंपरागत व्यवस्थाएं, मसलन मानकी मुंडा, माझी, परगना, महल की वर्तमान व्यवस्था से किसी भी तरह का छेड़छाड़ नहीं करने की मांग स्थानीयों ने प्रशासन से की है। नगर निकाय हमारे जो जमशेदपुर 32 मौजा के अंतर्गत जो हमारा परंपरा रूढ़िवादी परंपरा है, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है जिसमें हमारा रूढ़िवादी परंपरा है, उसमें नगर निकाय का हम लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो परंपरा है, हमारा रूढ़िवादी व्यवस्था है, वो ये आने वाले दिन में बंद हो जाएगी। जो व्यवस्था है मानकी मुंडा एवं माझी परगना व्यवस्था, भूमुज मुंडा संघ का जो व्यवस्था, वो हमारा परंपरा से लुप्त हो जाएगी। हम लोग उपायुक्त के पास आए। आयुक्त, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A हटाए जाने की खबर मिलते ही जमशेदपुर में महानगर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। शहर के साक्ची स्थित भाजपा जिला महानगर कार्यालय में बड़ी तादाद में भाजपा कार्यकर्ताओं का
जुटान खबर मिलते ही होने लगा था। बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं और पार्टी के नेता हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लिए पीएम मोदी जिंदाबाद और जहां मुखर्जी हुए बलिदान अब वह कश्मीर हमारा है का नारा लगाते हुए मुख्य क्षेत्र के गोलचक्कर साक्षी पहुंचे। भाजपाइयों ने यहां डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया और कश्मीर और कश्मीरियत की तेजी से विकास की दिशा में केंद्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णय को मील का पत्थर बताया। भाजपाइयों ने यहां खुशी का इजहार करते हुए आम लोगों के बीच मिठाइयां बांटी और जमकर आतिशबाजी की। इस दौरान विधि व्यवस्था को लेकर स्थानीय पुलिस प्रशासन भी चौकस दिखी। जम्मू कश्मीर को लेकर पार्टी की चिर प्रतीक्षित मांग पूरी होने और भाजपा कार्यकर्ताओं ने यहां जमकर खुशियां मनाई। कहा कि जो कार्य आजादी के 60 सालों तक कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए नहीं किया उसे पीएम मोदी की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने कर दिखाया। अब जम्मू कश्मीर का तेजी से विकास होगा और इसे कोई नहीं रोक सकता। बहत्तर साल पुराना कलंक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने धोने का काम किया। कश्मीर जहाँ मुखर्जी बलिदान हुए थे और यह भाजपा का नारा था कि जो जहाँ बलिदान हुए मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। भारत सरकार ने साहसिक और डिजिटल शक्ति की पूर्ण मोदी सरकार ने निर्णय लिया कि कश्मीर से 370 और 35 से हटाने का जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी का था, चुनावी मैनिफेस्टो में था, वह नरेंद्र मोदी के 56 दिन जैसे प्रधानमंत्री ने पूरा करके दिखाने का काम किया। इससे कश्मीर के जितने दो परिवारों के अलावा अब्दुल्ला और फारूक परिवार के अलावा कश्मीर के आम लोगों को इसका लाभ होगा और अब कश्मीर विकास के पथ पर अग्रसर होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा और महिलाओं को सम्मान मिलेगा। मैं आप सबों के माध्यम से देश की जनता को बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुभकामना देना चाहता हूँ। झारखंड विधानसभा चुनाव से पूर्व ज्यादा से ज्यादा युवाओं को झामुमो से जोड़ने के मकसद को लेकर झामुमो के द्वारा प्रत्येक जिला में जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत झामुमो जिला कमेटी के द्वारा एक रैली निकाली गई जो अंबेडकर चौक से लेकर सांची गोलचक्कर पहुंची। इस दौरान इन्होंने कई सरकारी नीतियों का विरोध भी जताया। मौके पर पार्टी के जिला अध्यक्ष ने कहा कि झारखंड अलग राज्य 19 वर्ष पहले मिला और उसके पूर्व कई युवाओं ने अपना बलिदान इस राज्य को अलग करने के लिए दिया था और आज के युवा इससे अनभिज्ञ हैं और इसी के मकसद से इस अभियान को राज्य भर में चलाया जा रहा है। इन्होंने कहा कि झामुमो के सुप्रीमो शिबू सोरेन के द्वारा झारखंड राज्य के आंदोलन की शुरुआत की गई थी और कई बलिदानों के बाद ये राज्य अलग हुआ है और इस बात को युवाओं तक पहुंचाया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक युवा वर्ग पार्टी का दामन थामे और विधानसभा चुनाव में पार्टी के नेता हेमंत सोरेन को हाथों को मजबूत कर उन्हें जीत दिलाए और उन्हें मुख्यमंत्री बनाए। झारखंड अलग राज्य एक आंदोलन का एक परिणाम है जो दिशम गुरु शिबू सोरेन के नेतृत्व पर एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद ये झारखंड अलग राज्य मुझे प्राप्त हुआ है। इस आंदोलन में कई माता बहनों का सिंदूर मिटा, सुहाग मिटा, कई भाइयों को मैं शहीद हुआ, जिसका परिणाम स्वरूप 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग राज्य प्राप्त हुई है। आज युवा को इस झारखंड अलग राज्य की आंदोलन से बिल्कुल अनभिज्ञ है, नहीं जानते हैं जो 20 साल पहले 19 साल पहले जो अलग राज्य हुआ, अलग राज्य के आंदोलन कैसे हुआ, क्या हुआ। हेमंत सोरेन ने यह घोषणा किया हुआ है हमारा यदि सरकार आई तो निश्चित तौर पर बेरोजगार शिक्षित बेरोजगार युवा को रोजगार भत्ता हम देने का काम करेंगे। इसलिए हम लोग युवाओं को जोड़ने के लिए हम लोग पूरा गांव गांव पंचायत पंचायत शहर में हम लोग ये जन जागरण अभियान हम लोग चला करके युवा को जागृत कर रहे हैं। जमशेदपुर अभिभावक संघ द्वारा मोटर एक्ट प्रावधानों में हुए संशोधन में शहर के निजी स्कूलों के लिए भी कड़े नियम बनाए जाने की मांग की गई है। साथ ही वैसे स्कूल जो बस सेवा शुरू नहीं कर रहे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग उठाई गई है। बता दें कि पिछले दिनों मोटर एक्ट नियमों में बदलाव करते हुए इनमें कहा गया है कि अगर कम आयु के स्कूली छात्र वाहन चलाते हुए पकड़े जाएं तो उनके अभिभावकों को जेल भेजा जाएगा। इसके खिलाफ जमशेदपुर अभिभावक संघ ने जिला मुख्यालय में
प्रदर्शन किया। इस दौरान इन्होंने कहा कि शहर के अभिभावक अपने बच्चों को लेकर चिंता में हैं, चूंकि स्कूल द्वारा बस सेवा शुरू नहीं की जा रही है और निजी स्कूली वाहनों में इतना ज्यादा ओवरलोडिंग हो रहा है जिससे छात्र दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं और इसी के कारण मजबूरन अभिभावक अपने छात्रों को वाहन देकर स्कूल भेज रहे हैं। इन्होंने कहा कि नियमों में परिवर्तन कर वैसे स्कूल प्रबंधन के लोगों को जेल भेजा जाना चाहिए जिन स्कूलों के छात्र वाहन चलाते हुए पकड़े जाते हैं। चूंकि स्कूली बस सेवा शुरू नहीं होने के कारण छात्र वाहन लेकर जाने को मजबूर हैं। मोटर वाहन संशोधन विधेयक में जो बातें रखी गई है कि अगर नाबालिग दोपहिया वाहन चलाते समय दुर्घटना का सामना करते हैं तो उनके अभिभावकों को जेल हो जाएगी। जमशेदपुर में नाबालिग दोपहिया वाहन से स्कूल जाने को मजबूर है कहते यहाँ के स्कूलों द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट शिक्षा न्यायालय का और जो बोर्ड से इन्होंने मान्यता प्राप्त की है उनकी मान्यता को शर्तों को अवमानना करते हुए बस का परिचालन नहीं करते हैं और जो निजी वाहनों स्कूली वाहनों की स्थिति है जर्जर है, अपरशिक्षित ड्राइवर है और जिस तरह से बच्चों के साथ उनके द्वारा छेड़छाड़ की जाती रही है, अभिभावक दोपहिया वाहन से अपने बच्चे को भेजने के लिए सुरक्षित समझ रहे हैं। अगर जमशेदपुर अभिभावक से आज उपायुक्त महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय प्रधानमंत्री जी को यह मांग पत्र भेजने जा रहा है कि मोटर वाहन संशोधन विधेयक में इस बात का भी प्रावधान हो कि अगर बच्चे तो जहाँ जिस शहर में स्कूलों द्वारा बस का परिचालन नहीं होता है अगर उस स्कूल के बच्चे दोपहिया वाहन से स्कूल जाते समय दुर्घटना का सामना करते हैं तो अभिभावकों की जगह स्कूल प्रबंधन को जेल हो। जमशेदपुर के धातकीडी मेडिकल बस्ती के लोगों ने बस्ती में पिछले कुछ दिनों से बस्ती में घूम रहे असामाजिक तत्वों के खिलाफ बिष्टुपुर थाने में प्रदर्शन किया, साथ ही स्थानीय थाने से इस पर कार्रवाई की मांग की। बताया जाता है कि विगत दिनों जिस्को कंपनी के पदाधिकारियों ने उक्त बस्ती का दौरा किया था और उस वक्त वहां निर्मित फ्लैट की जाँच की गई थी और बस्ती वासियों से कहा गया था कि फ्लैट की मरम्मति करवाई जाएगी। इसके बाद विगत दो दिनों से अनजान असामाजिक तत्वों के द्वारा देर रात बस्ती में गाड़ी से भ्रमण कर जगह जगह नोटिस फेंका जा रहा है। उक्त नोटिस पर किसी का हस्ताक्षर नहीं है और इससे स्थानियों में डर का माहौल व्याप्त है। इसके खिलाफ इन्होंने बिष्टुपुर थाने में हंगामा किया और असामाजिक तत्वों के खिलाफ लिखित थाने में शिकायत करते हुए इस पर कार्रवाई की मांग की गई। मामला ये है कि विगत दो तारीख को कैप्टन मिश्रा आते हैं मेडिकल बस्ती में, सर्वे करते हैं क्वार्टर सबका। जो फ्लैट हैं हमारे यहाँ पर चार फ्लैट हैं और फ्लैट का हालत देखें, लेकिन हम लोगों को कोई ऐसा कुछ खबर नहीं दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं इसका ऊपर में बात करूँगा, रिपेयरिंग कराना होगा या जो अच्छा होगा करेंगे, लेकिन उनके जाने के बाद में 3 तारीख का रात में 11:30-12 बजे के आसपास और 4 तारीख यानी कल उसी टाइम में 11:30-12 बजे के आसपास कुछ लोग आते हैं बोलेरो गाड़ी में, उसमें आते हैं लोग एक नोटिस लेकर के, जो कि वो नोटिस इनफॉर्मल है, फॉर्मल नहीं है, किसी का सिग्नेचर किसी का स्टैंप नहीं है। वो आते हैं और घर का बाहर में फेंक देते हैं और इससे क्या है, बस्ती में डर का माहौल पैदा हो गया है, दहशत का माहौल पैदा हुआ है और हमारे लोग डरे हुए हैं, जिससे लोग हम लोग विचलित हैं। इसी का विरोध में हम लोग आज आए हैं और थाना में हम लोग आज FIR किए हैं। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत विद्यापति नगर के पास एक चेन की छिनतई करने वाले युवक को स्थानियों ने पकड़कर पिटाई कर डाली। इसके बाद स्थानीय थाने ने युवक को अपने कब्जे में लेकर इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती करवाया। सोमवार की सुबह विभिन्न मंदिरों में महिलाएं जलार्पण के लिए जा रही थी, इसी दौरान सचिन सिंह नामक युवक ने भीड़ में से एक महिला के गले से चेन की छिनतई कर ली, लेकिन इसकी भनक वहां मौजूद लोगों को लग गई और उन्होंने उक्त युवक को पकड़कर जोरदार पिटाई कर दी। इसके बाद स्थानीय थाने को इसकी सूचना दी गई, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को अपने गिरफ्त में ले लिया और उसके बाद उसे इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। इसको 22 जून में यही लाए हैं, हमारा थाना से आदेश मिला कि चोरी छिनरे ही किया था, कि देखिए क्या था जी,
सोना का जो था सिकड़ी उसको छीन कर भागल जा रहा था, तो वहाँ पब्लिक लोग पकड़ के इसको और रखा और हम लोग को फोन किया तो थाना से जाके इसको थाना लाया। सचिन सिंह। सावन के तीसरी सोमवारी पर मानगो नदी घाट से कलश में जल बोझ कर श्रद्धालुओं ने पैदल सरजमदा पुरानी बस्ती तक की यात्रा तय कर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। लगातार प्रत्येक वर्ष स्थानीय युवकों के द्वारा कांवर यात्रा निकाली जाती है। इनके द्वारा मानगो नदी तट पर कांवर में जल बोझ कर पैदल सरजमदा पुराना बस्ती स्थित भगवान भोलेनाथ के मंदिर तक की यात्रा की जाती है, जिसके बाद भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर उनसे सुख शांति की कामना की जाती है। ये हम लोग मानगो से उठा के सरजमदा रुद्रेश्वर बाबा का मंदिर में जल अभिषेक करेंगे। हर साल ये साल भी कर रहे हैं, 2015 से हम लोग चालू किए हैं कांवर यात्रा गंगा से संपूर्ण रेखा से लेकर सरजमदा पुराना बस्ती तक। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सूचना या समाचार हो या फिर आप हमारे न्यूज चैनल में विज्ञापन देना चाह रहे हो तो हमारे स्क्रीन पर चल रहे इस नंबर पर हमारे साथ जरूर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।